नियम बनाया हुआ है। राजयोग की पढ़ाई का नियम कि वो पढ़ाई पढ़ाने आता है, इस सृष्टि में सुप्रीम टीचर बनकर आता है। अब जो जितनी पढ़ाई पढ़े उस राजयोग की ज्ञान और योग की पढ़ाई को जो जितना महत्व दे, पूरी शक्ति लगाकर एड़ी चोटी की सारे जीवन की सारी शक्तियां लगाकर जो जितनी पढ़ाई पढ़ेगा, कौन सी पढ़ाई? राजयोग की पढ़ाई जो गीता ज्ञान के द्वारा ही दी जाती है, वो उतना ऊंचा राजा बनेगा। ज्यादा से ज्यादा जन्मों में राजा बनेगा। बड़े से बड़ा शक्तिशाली राजा बनेगा। देखने में चाहे छोटे राज्य का अधिकारी माला दिखाई पड़े, ये तो छोटे राज्य का राजा है, परंतु फिर भी इतना शक्तिशाली होगा कि इस दुनिया में सम्राट कहा जाने वाला हिस्टोरियंस के द्वारा महान कहा जाने वाला अकबर, उसके ऊपर जीत नहीं प्राप्त कर सकता। ये ऐसी राजाई की शक्ति कहां से प्राप्त की? उस आत्मा ने है? भगवान से प्राप्त की। ये राजयोग की पढ़ाई के द्वारा, इसलिए भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो एक बात पर ही बहुत जोर देते हैं कि बच्चे, मैं जो पढ़ाई पढ़ाता हूं भक्ति मार्ग में, उसे भगवान की मुरली कहा गया है, मीठी तान सुनाने वाली मुरली। वो कोई काठ की मुरली की बात नहीं है, कठबुद्धि मनुष्य आत्मा के द्वारा वो मुरली चलाई जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में काठ की मुरली दिखा दी, बाकी ऐसे नहीं है कि कोई काठ की मुरली है, वो तो ज्ञान की मुरली है, ज्ञान की वाणी है। भगवान इस सृष्टि पर आकर के गीता ज्ञान सुना करके राजयोगी बनाता है। जन्म जन्मांतर का राजा बनाता है। और जो अब्बल नंबर का हीरो पाटीदारी उस राजयोग की पढ़ाई पढ़ करके अब्बल नंबर पास होता है, उसका रिजल्ट भी अब्बल नंबर में देता है। जो हम ब्राह्मणों के बीच में, जिन ब्राह्मणों को ब्रह्मा की प्रैक्टिकल औलाद कहा जाता है,
वो ब्राह्मण जानते हैं कि वो अव्वल नंबर ईश्वरी यूनिवर्सिटी में पास होने वाला कब प्रत्यक्ष किया गया था। वर्ष याद है? है? नहीं याद है? है? जोर से बोलो। है? इतनी आवाज है, कहीं गलत ना हो। है? पब्लिक के बीच में हम झूठे साबित हो जाएंगे। बड़ा देवाना रहा है। कब की बात है? 1976 की बात है।